स्वच्छ सर्वेक्षण व स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत सरकारी कार्यालयों की साफ सफाई की गई, जिसमें सभी कार्यालयों के अध्यक्षों और कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय परिसर में सफाई की। वहीं जिलाधीश कार्यालय हमीरपुर परिसर में भी आसपास उगी हुई घास को उखाड़ा गया। वहीं स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली भी निकाली गई, जिसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर एडीसी रतन गौतम, एसडीएम शिल्पी बेगटा, हमीरपुर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी विनोद शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं एडीएम रतन गौतम ने बताया कि आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिलाधीश कार्यालय के परिसर में अधिकारियों द्वारा सफाई की गई। उन्होंने बताया कि स्वच्छता रैली भी निकाली गई, जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं और इनके जो परिसर हैं, इनकी सफाई का कार्यक्रम रखा गया था। और इस कड़ी में सभी जो कार्यालय अध्यक्ष है, जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अपने अपने कार्यालय को साफ सुथरा स्वच्छ करने में आज कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में जिलाधीश कार्यालय परिसर में भी ये अभियान रखा गया, और उसके तहत जो बरसात के दौरान बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ्स हो गई थी, वो सारा का सारा जो है वो आज हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने मिल करके जो है इसको नगर पालिका के साथ साफ किया है और अपने परिसर को, कार्यालय को स्वच्छ करने की एक मुहिम के तहत काम किया है। इसके अतिरिक्त जो आज एक स्वच्छता पर रैली भी जो है वो साथ में निकाली जा रही है, जिसके द्वारा जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।